Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood-e Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise 3.7, SSC 2 and question number 4 is, the intensity L of light from a given source varies inversely as the square of the distance D. स्टूडेंट्स जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल उसने इसको एल से रिप्रेजेंट किया है ये इन्वर्सली वेरीज कर रही है कि इससे स्केयर ऑफ द डिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए उसने लेटर यूज किया है डी तो बच्चों ये इस तरह इसका रिलेशन बनेगा जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम हतम कार की इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो साथ में हमें कॉन्स्टेंट के लगाना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी L इज इक्वल टू के इंटू वन ओवर डी स्क्वायर और इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इक्वेशन अब स्टूडेंट्स जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इफ इंटेंसिटी और इंटेंसिटी के लिए जो लेटर यूज किया है वो L है L इज इक्वल टू 20 कैंडल पावर जो इसका यूनिट है ये 20 है और जो डिस्टेंस गिवन है बच्चों डी वो है 12 फीट तो फीट के लिए हम स्टूडेंट्स इसके ऊपर सिंगल डैश डालेंगे तो ये फीट पढ़ा जाएगा तो डिस्टेंस है 12 फीट अब हमने फाइंड क्या करना है हमने इंटेंसिटी यानी कि एल हमने फाइंड करनी है और जो डिस्टेंस है वो गिवन है 8 फीट डिस्टेंस जो गिवन है वो है 8 फीट तो बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास एल और डी गिवन है इनको यूज करते हुए हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर एल हमने फाइंड करना है एल एज इट इज रहेगा इस इंफॉर्मेशन से हम के की वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे तो के की जगह वो वैल्यू लिखेंगे और डिस्टेंस की जगह स्टूडेंट्स हम 8 पुट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हम पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये एज अ स्टूडेंट्स एल की जगह हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 20 इज इक्वल टू के ये कांस्टेंट हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डी और डी की जगह हम लिखेंगे 12 स्क्वायर और 12 स्क्वायर जो है बच्चों ये होता है 144 तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू के इनटू 1 ओवर 144 और 144 जो है वो डिवाइड कर रहा है इस साइड पर आकर वो मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू के अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर ऐसे भी के की वैल्यू लिखें तो हम लिख सकते हैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये जो जीरो है वो इसके साथ आ जाएगा और 2 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 4 8 फिर 2 4 8 और 2 1 2 और ये जीरो चूँकि 10 हम बना लेंगे तो इससे के साथ ये जीरो आ जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 2880 अब एल हमने फाइंड करना है दोबारा हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और के की जगह हम लिखेंगे 2880 तो बच्चों ये आएगा एल हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू के की जगह आएगा 2880 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 8 तो इसका हम लिखेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा बच्चों 2880 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 8 स्क्वायर मीन 64 अब आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप कैंसिलेशन भी करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं तो कैंसिलेशन हम 2 के टेबल से करेंगे 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 4 8 2 4 8 और 2 0 0 तो यह आएगा 1440 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 32 अगेन बच्चों हम 2 से कैंसिल करेंगे इसको 2 1 2 1 कैरी 2 6 12 2 7 14 2 2 4 और 2 0 0 अगेन बच्चों हम इसको 720 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 16 तो अब ये 72 भी 8 के टेबल में आता है और 16 भी 8 के टेबल में आता है तो बच्चों हम इसको 8 के टेबल से कैंसिलेशन कर लेते हैं ताकि बार बार हमें ना करनी पड़े 8 2 16 और 8 9 72 और 8 0 0 तो यह आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 2 1 2 2 4 8 1 कैरी 2 5 10
एल जो है वो बच्चों आएगा 45 कैंडल पावर। तो ये एल हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अगर आगे आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कैंडल पावर, ये यूनिट इंटेंसिटी की उसने दी हुई है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.7 का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।